नैलानी खीरी आने वाले लोकसभा चुनाव के मैदान में पॉल खुल पार्टी से गोला की किन्नरपारों ने चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है। किन्नरपारों ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी नेताओं की सरकार भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को खत्म होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। यदि जनता ने मुझे चुन लिया तो वादा है देश में विकास की गंगा बहाने लगी और भ्रष्टाचार मिटाने व गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने मैलानी खीरी में पहुंचकर प्रचार प्रसार बड़े ही धूमधाम के साथ नाचते गाते किया। इस मौके पर नरेश सिंह भदौरिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समर इंडिया ब्यूरो इश्तियाक कली लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए चुना गया है, क्या जनता के लिए करेंगे आप? क्या जनता के लिए करूंगी तो बहुत कुछ अभी तो कह नहीं सकते। जैसे नेता तो बहुत वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं। आपको ये भी मालूम है हमारा ये कोई बिजनेस नहीं, ना हमारा कोई धंधा, तो धंधा नाच गाने का। एक इंसानों को देखने के जजमानी, जैसे विकास जिसमें विकास वहाँ सुधरवाए वहाँ से हमारे संघ को चले वो दिखाते हैं विकास कहाँ कहाँ सुधरा। जितना मैं छानबीन करती हूँ इलाके की, बधाई बजाती हूँ हर गली में हर कुलियों में, तो जितना हमको रास्ता मालूम। क्या सोच के आप चुनाव में खड़ी हुई हैं? यही भ्रष्टाचार हटाऊंगी और नेता जो बड़े बड़े घोटाला कर चुके हैं इनको सुधारने के लिए और कोई जरिया नहीं, एक यही जरिया है आई मिस पारो किन्नर। इसी के लिए मजबूरन जिला खीरी लखीमपुर में पारो किन्नर इन हिजड़ों के खिलाफ इंकलाब उठाया। अगर आप जीत गए तो सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? पहले पता होगी ये कि जितनी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप जीत गए तब? पहले पता ये होगी कि जितनी भी मान लो औरतें माता बहन हैं ठीक जी, जी, उनको अच्छी शिक्षा देना और जो बच्चे हैं उनकी एक गरीबी हटाओ और अच्छी शिक्षा दो और जो नेता बिगड़े चल रहे हैं इनको भी सुधारो, यही मेरा कहना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही